तो दोस्तों आज तक जो वीडियो आपने देखी है इस शख्स के बारे में, वो सारी वीडियोस को आप एक तरफ रख दो और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सारी वीडियोस का सम अप है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टेक्निकल गुरुज की और आज हम सब मिलके बात करने वाले हैं टेक्निकल गुरुजी के सक्सेस के बारे में। क्योंकि दोस्तों आज कल हर एक यूट्यूबर जो शायद आता है और यूट्यूब में, तो वो मिसाल जरूर देता है टेक्निकल गुरुजी की, बनाओ वीडियो तो ऐसा बनाओ। इवन मैं कभी किसी से बात करता हूँ या कभी किसी से सजेशन लेता हूँ या पूछता हूँ या वो बंदा मुझे सजेशन देता है, तो वो भी मुझे मिसाल देता है टेक्निकल गुरुजी के बारे में। इवन आज तक अभी जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं मेरे जैसे और हमारे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स, तो सब एक मिसाल देते हैं। वो मिसाल होती है सिर्फ एक ही नाम, वो टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो क्या है उनके सक्सेस का राज, क्यों वो इतना सक्सेस हुए, क्या उनके जैसा हार्डवर्क कोई और नहीं करता, वो सब मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 बुलेट पॉइंट्स के अंदर अंदर बता दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो उन सब वीडियोस का तोड़ है जो आपने यूट्यूब पे देखी होगी और कई लोगों ने आपको मिसाल दिया होगा कि ये वो टेक्निकल गुरुजी। तो हर चीज की चीज आपको आज मैं बता दूंगा कि क्या चीज है, कौन से वो पॉइंट्स हैं जो टेक्निकल गुरुजी को एक महान यूट्यूबर बनाते हैं। और गाइस मैं ये भी कह दूं कि मैं किसी भी यूट्यूबर को मतलब नेगेटिव उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, मैं एक सिर्फ केस स्टडी आपको देता हूं कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, ठीक है। तो अन्यथा आप किसी भी और वे में इसको ना लें और गलत चीज में इसका उपयोग ना करें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेक्निकल गुरुजी की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, और उस बीच और उसके बाद मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो उनको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाता है। वैसे तो मेरा और आपका जो हमारा ये चैनल है ऑनलाइन मनी, यहाँ मैं मनी से रिलेटेड चीजें बताता हूँ, मनी पे केस स्टडी करता हूँ और ऑनलाइन अर्निंग में कैसे आपको ग्रो करना है उस पे केस स्टडी करता हूँ। लेकिन आज थोड़ा एक अनोखा केस स्टडी है टेक्निकल गुरुजी के बारे में, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मेरे पास आ रही थी और मैंने कई वीडियोज देखे जिसमें सिर्फ टेक्निकल गुरुजी का नाम लेके लोगों को इंस्पायर किया जाता है। जरूर इंस्पायर हुआ उनके नाम से, इसमें कोई भी दो राय नहीं है मेरी, लेकिन उनके पीछे उनका सक्सेस कहाँ से स्टार्ट होता है, किन बुलेट पॉइंट्स पे उनकी पूरी इंडस्ट्री जो यूट्यूब की है वो खड़ी होती है, वो आज आपको पता चलेगी। तो इस वीडियो में पड़े रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर बेल का आइकन नहीं दबाया तो प्लीज बेल का आइकन दबा देना और सब्सक्राइब पहले करना, फिर उसके बाद बेल का आइकन प्रेस करना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिले और आप बहुत ही ज्यादा अच्छा अर्निंग कर पाए ऑनलाइन से। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या है टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो टेक्निकल गुरुजी के बारे में ये है कि उनके पास है पैसे, मनी। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है मनी। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि टेक्निकल गुरुजी की सक्सेस ये है कि वो 2 वीडियोज डालते हैं। हाँ, वो 2 वीडियो डालते हैं, मेहनत करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है मेरी। लेकिन गाइस मनी, आपको याद होगा जब टेक्निकल गुरुजी ने अपना स्टार्ट किया था अपना ये यूट्यूब चैनल, तो उनकी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब के एडवर्टाइज पे आते थे, ठीक है, और भी कई ऐसी चीज जो है वो पेड उन्होंने की है और मनी से उन्होंने काफी चीज अपनी बिल्ड की है। सबसे पहले तो पेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको पता नहीं था कि यूट्यूब पे आप पेड एडवर्टाइजमेंट भी अपने चैनल की करा सकते हो। तो वहां से ये इंस्पिरेशन निकल के आया कि आप एड्स भी यूट्यूब में चला सकते हो एज अ यूट्यूबर। बहुत सारे लोगों को ऐसे उस समय ही पता चला कि ऐसा भी होता है, तो वो किस लिए हो पाया, वो मनी। अब देखो कुछ छोटे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत छोटे हैं, मैं हो गया, तो हम लोग सोचेंगे मतलब यहाँ ऐड चलाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा यार, चलाए या नहीं, चला तो सब सकते हैं लेकिन सोचना पड़ेगा चलाए या ना चलाए। लेकिन वो एक मनी अथॉरिटी मतलब पैसे से पावरफुल आदमी हैं और थे, उनका यूट्यूब से पैसा नहीं बना है। सबसे पहले जान लो आप, अगर आप उनसे इंस्पायर होते हो और सोचते हो कि आप उनके जैसे रैपिड ग्रो कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास मनी होना जरूरी है। तो हर चीज में अगर आप उनको मिसाल लेके चलोगे तो खतरे में पड़ सकते हो, क्योंकि हर आदमी की कंडीशंस अलग होती हैं और वो अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। तो दोस्त आप निराश मत हो, ठीक है, हमेशा एक चीज ना सोचो,
कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ग्रो नहीं हो सकते, आपके पास उसके अल्टरनेटिव में कुछ हो सकता है, ठीक है, जो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो पैसे से उन्होंने स्टार्ट किया ये अपना एम्पायर खड़ा करना। सबसे पहली जो चीज़ है वो पैसा, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, उन्होंने महंगे इक्विपमेंट खरीदे, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ पैसे से हो सकती हैं और उन्होंने उसे किया। तो गाइस सेकंड पॉइंट पे आता है, और सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी और रिसोर्स। गाइस जब उन्होंने अपना चैनल बनाया तो उनके पास रिसोर्स के तौर पे बड़े यूट्यूबर्स थे जिससे उन्होंने उनका साथ लिया और अपने चैनल में सिर्फ एक हफ्ते में 1000 सब्सक्राइबर किए थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके उनके बायोडाटा या बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर वीडियोस बनाया है तो आप जाके देख सकते हो। तो 1000 सब्सक्राइबर उन्होंने कैसे किया था, लोगों की सहायता से। आज अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हो तो कोई भी नहीं आता आपकी मदद करने, कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपको मदद करने नहीं आएगा, लेकिन उनको आया। तो क्यों आया, उनके बैकग्राउंड की वजह से, उनके पैसे की वजह से, राइट। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो आता है पैसों की वजह से। तो इसलिए मैंने जो पहला पॉइंट बनाया वो पैसा, और जो दूसरा पॉइंट है वो रिसोर्स। रिसोर्स की वजह से ही वो जमे आके और लोग उनको जानना स्टार्ट हुए, अलग अलग चैनल्स का हेल्प लिए और वहां से वो ग्रो करना स्टार्ट किया। यही जो चीज़ें हैं वो रैपिड उनको ग्रो करती हैं। अगर कहीं पर भी आप देखो, कई वीडियोस देखो, उसका समअप यही आता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की वजह से वो ऊपर सीढ़ी चढ़ते गया और उसके बाद उनको सक्सेस मिली। और फिर जब वो मिड पे आ गए थे, मतलब एक लेवल अप हो चुका था उनका, पैसे और रिसोर्स से एक लेवल उनका अप हो चुका था, फिर उन्होंने अपने काम में एक एफर्ट लगाना स्टार्ट किया। क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उनको सारी स्ट्रेंथ पता है कि कहाँ कब स्ट्रेंथ लगाना है, और पैसे से आप कैसे ग्रो हो सकते हो वो भी ये जानते हैं, ठीक है। तो वो ये सब जानते हैं इसलिए वो रैपिड ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उनसे उनका नाम लेते हैं और सोचते हैं। तो गाइस हर जगह कंडीशंस अलग होती हैं, आप हर कंडीशंस को सेम लेके नहीं चल सकते। उनके पास पैसे का पावर है, हो सकता है आपके पास कुछ और हो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो डेली के वीडियोस बनाते हैं, मच हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आ जाती है वो एक चीज की आती है जो मैं आपको लास्ट बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है हम में और उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं, और वो जो तीसरा पॉइंट है वो है हार्ड वर्क। हाँ गाइस, अब उन्होंने पैसे का काम कर दिया, रिसोर्स ले लिया, अब उनका एक नाम बन गया था रैपिड एक्शन में ग्रो होने का, और उनके पैसे से ही उन्होंने अच्छे अच्छे सेटअप्स लगाए, अच्छे अच्छे रिसोर्स पैदा किए, और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो लास्ट में उन्होंने स्टार्ट किया हार्ड वर्क। पहले वो दो वीडियोस नहीं बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्टार्ट किया दो वीडियोस बनाना, क्योंकि वहां से उनको एक पिकअप मिल चुका था, उनका जो गेम था वो जे करो की तरफ जाने लगा था। अगर आप देखोगे उनके वीडियोस में जाके, उनके पिछली वीडियोस में, तो उन्होंने स्टार्ट किया दो वीडियोस बनाना। तो क्या दो वीडियोस से वो 10 मिलियन आज पहुंचने वाले हैं? नहीं, दो वीडियोस से नहीं पहुंच रहे हैं, अपने पिछले काम जो उन्होंने किया उसकी वजह से, ठीक है। आज भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो दो वीडियो दिन के बनाते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम सब देखते हैं कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो दो वीडियो डेली के बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब कि वो 10 मिलियन या 1 मिलियन या 5 लाख ही सब्सक्राइबर गेन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है फॉर्मूला गाइस? बेसिक गणित जो बोलो आप, या फॉर्मूला बोलो, या कुछ भी बोलो, वो यही है कि मनी इज फैक्टर, रिसोर्स इज फैक्टर, और सबसे बड़ी बात उनकी कंट्रोवर्सीज, ठीक है। इतनी कंट्रोवर्सीज हुई उनकी, आप बोलो टेक्निकल सागर के साथ या धर्मेंद्र सर से याद आया मुझे, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है आपको बताना कि धर्मेंद्र सर एक बहुत ही रेपुटेटेड इंसान है, तो क्या उनके कंटेंट्स में दम नहीं रहता? उन्होंने स्टार्ट किया था जीरो से, इसलिए उनके पास आज भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो पाए। लेकिन इज्जत की बात करो तो इतनी ज्यादा इज्जत, इतनी ज्यादा अथॉरिटी, इतना ज्यादा बड़ी कम्युनिटी में उनका नाम इतना सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही यूट्यूब को एक अलग ही प्रकार से दिखाया है अपने द्वारा, ठीक है।
तो उनकी जो कंट्रोवर्सीज हुई है वो धर्मेंद्र सर के साथ भी हुई है, जहाँ से उनका नाम और पॉपुलर हुआ। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बीच से वो ऊपर आना स्टार्ट किए, ठीक है, टेक्निकल सागर बोलो। तो धर्मेंद्र सर को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वीडियोज़ देखते हैं, काफ़ी सारे लोग इंस्पायर उनसे हैं। तो वो सब लोगों का नाम यूज हुआ, मतलब उनके बीच उनका नाम आया तो लोग जानना स्टार्ट किए। तो कंट्रोवर्सीज भी उनका एक स्टेप है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने आप को बहुत मतलब छोटा महसूस करते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता हमसे, वो नहीं हो सकता, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है उनकी कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है उनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखो इस चीज़ को गलत मत लेना, लेकिन लोग उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना धर्मेंद्र सर को करते हैं। कभी आपने ये चीज़ सोचा है या नहीं, आप सोच के देखना। उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो इतने सीनियर हैं यूट्यूब में, लेकिन एक तरफ जो टेक्निकल गुरु जी हैं उनको भी बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन अगर उन दोनों की बात आई तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर कोई देता है तो वो धर्मेंद्र सर को दिया जाता है। तो क्या वो हार्ड वर्कर नहीं है, क्या वो हार्ड वर्कर नहीं है, दोनों हार्ड वर्कर हैं दोस्त, लेकिन गेम जो है वो मनी का है, गेम मनी से स्टार्ट होता है और मनी पे ही चलता है। अक्सर क्या होता है, जो न्यू यूट्यूबर्स आते हैं वो पहले अपने चैनल को धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उनके पास पैसा आता है तो वो रैपिड ग्रो होते हैं, ठीक है। लेकिन जब पैसा आपको आपके रूट्स पे, आपके जड़ पे ही मिल जाता है तो वो चीज़ काफ़ी ऊपर आपको ले जाती है, ठीक है। किसी भी बिजनेस में अगर उसको पहले इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो वो बिजनेस काफ़ी रैपिड ग्रो हो जाता है, ठीक है। और जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है तो वो धीरे 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 होता है, ठीक है। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके भी बिजनेस में धीरे 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 पैसा आएगा और आप भी कभी ना कभी 1 मिलियन जरूर जाओगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त, और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मनी नहीं है तो वी कैन नॉट ग्रो, ठीक है। लेकिन और जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो तो आपके पास है ना, तो आप भी ग्रो हो सकते हो, यू कैन डू इट, ओके। और रही बात तो सर की, यही 3 बुलेट पॉइंट्स हैं जिनसे उनका पूरा अंपायर खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्ड वर्कर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, वो डेली के 2 वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जो उनकी वो बुनियाद है वो मिली है यूट्यूबर्स के वजह से, कंट्रोवर्सीज के वजह से, पैसों के वजह से, और यहीं से उनकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। हार्ड वर्क उन्होंने बाद में किया और अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इस वीडियो को आप गलत वे में मत लेना, 3 पॉइंट याद रखना, पैसा, रिसोर्स, हार्डवर्क। और हार्डवर्क में कंट्रोवर्सीज भी हैं उनकी और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल गुरु जी को सक्सेस बनाती हैं। टेक्निकल सागर भी उतनी मेहनत करते हैं, धर्मेंद्र सर भी उतनी मेहनत करते हैं, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो डेली की 2 वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं है। थिंक अबाउट इट, आपका क्या राय है वो आप कमेंट में बताओ, इस वीडियो को एक लाइक कर दो। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं टेक्निकल गुरु जी को कुछ गलत बताने की कोशिश करूं, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने की कोशिश की है मैंने, कि आपको समझ में आ सके कि कैसे ग्रो हुए वो, ठीक है। क्योंकि हर बंदा उनकी मिसाल देता है तो हमें जानना ज़रूरी है कि उनका ग्रोथ हुआ कैसे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब और दबा देना बेल का आइकन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।